उसका जहां तक सवाल है, हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे युवाओं को अगर हम स्पोर्ट्स में जब से रिकॉग्नाइज कराती में आया 23 ईयर्स हो गया, वैसे तो हमारा कराते एसोसिएशन का बैकबोन जैसे अभी हम ट्रून सर, जैसे कि इस बार 23rd स्टेट लेवल कराटे डो चैंपियनशिप तेजू में जो ऑर्गेनाइज किया गया है सर, इस इवेंट में के बारे में कुछ बताइए सर। ये पहली बार हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में स्टेट लेवल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन करने का तेजू को सौभाग्य मिला है। ये अपने आप में मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा कदम है अरुणाचल कराटे एसोसिएशन के द्वारा लिया गया। इससे हमारे यहाँ पे जो कराटे का जो चलन है पहले से काफ़ी फेमस है, लेकिन जब स्टेट लेवल का कराटे जब चैंपियनशिप यहाँ हो रहा है तो इससे हमारे बाकी युवाओं को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, उनको भी ये देखने के लिए मौका मिलेगा कि हमारा स्टेट में कराटे का क्या रोल है, हमारा कितना ऊपर तक ये पहुँच चुका है, कराटे के द्वारा हमारे राज्य के जो यूथ्स हैं किस तरह मेडल जीत रहे हैं, तो उनको एक ये जानने का मौका मिलेगा। और इससे मुझे लगता है कि कराटे या कोई भी जो मार्शल आर्ट का जो फॉर्म यहाँ पे खेला जाता है, चाहे वुशू हो, टाइकोंडो, उनको काफ़ी एक इम्पोर्टेंस मिलेगा हमारे इस एरिया में, पूरे ईस्टर्न अरुणाचल में। सर जैसे कि ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी, आप यहाँ के यूथ्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा है कि आज स्पोर्ट्स सिर्फ खेल कूद और फिजिकल और मेंटल फिटनेस रहने का ही एक जरिया नहीं रह गया है, ये आज एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। मैंने कहा है कि अभी कुछ देर पहले कि हर कोई पढ़ लिख के अफसर तो नहीं बन सकता है, वो सौभाग्य हर किसी के किस्मत में नहीं हो सकता है, लेकिन आज क्योंकि स्पोर्ट्स एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो और अच्छी तरह से आप इसको परस्यू करते हो, डेडिकेटेडली परस्यू करते हो, आप में कमिटमेंट है, तो मुझे लगता है कि यू कैन बिकम ए वेरी गुड प्लेयर, और प्लेयर बन के भी आप अपना जीविका चला सकते हो। ऐसे तो हमारे राज्य सरकार की ओर से हर नए जॉब में 5% का रिजर्वेशन है, पुलिस में 10% का रिजर्वेशन है, तो ये सब भी हमारे स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहित करने के लिए ही दिया गया है। और एज ए स्पोर्ट्स मंत्री मेरा तो हमेशा यही सोच है कि हमारे युवाओं में टैलेंट है, हमें उस टैलेंट को निखारना है, और निखारने के लिए हमको उसका एक प्लेटफॉर्म देना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उनको अच्छा कोचिंग देना है। तो हमारे अरुणाचल से भी हिमा दास जैसा प्लेयर निकल सकता है, मेरी कॉम जैसा प्लेयर निकल सकता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नेशन का नाम रोशन कर सकता है। अभी हम शुरुआती दौर में हैं, धीरे धीरे हमारा प्रदर्शन सुधर रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही खेलकूद के प्रति जो सीरियसनेस दिखा रहा है, जिस तरह से स्पोर्ट्समैन को मदद पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल से आने वाला समय स्पेशली अरुणाचल के लिए काफ़ी सुनहरा रहेगा। एक मार्शल स्टाइल में अलग गेम में मानते रहा हम, जिसके प्रति कुछ निगेटिव था मार्शल आर्ट को, लेकिन आज जो है कराटे एक स्पोर्ट्स बन चुका है, एक कराटे जुड्डू है, और इसको जो है आज के समय में एशियन में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इवन 2020 ओलंपिक में भी आज के समय में रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो इसलिए जो पहले कराटे के प्रति जो आदमी लोग के मन में था, वो आज के समय में वो चीज़ नहीं है। तो ये वन वे ऑफ ये जो 23rd स्टेट लेवल पहली बार हो रहा है पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी अरुणाचल में, तो इसलिए कराया जाता है ये वन वे प्रमोशनल, ताकि यहाँ के जो भी जनता पब्लिक और जान सके कि कराटे इज नो मोर ए अदरवाइज गेम, इट इज ए गेम ऑफ स्पोर्ट्स स्पिरिट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ट्वेंटी थर्ड स्टेट लेवल कराटे चैंपियनशिप लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू में आयोजन कर रहा है, आज उद्घाटन समारोह हुआ, उसके बाद अभी सब जूनियर का कटा चैंपियनशिप शुरू करने वाला है, और मैं एक एज ए अका का जनरल सेक्रेटरी एज वेल एज रेफरी कमीशन का भी मैं चेयरमैन हूँ, और आज अभी थोड़ी ही देर ये उद्घाटन शुरू होने के बाद हमारा गेम शुरू होने वाला है। सबसे पहले कटा इवेंट से शुरू करने वाला है सब जूनियर 8-9 ईयर से, उसके बाद फिर 10 ईयर्स 12 ईयर्स, उसके बाद
इस तरह जो छोटा से ही बड़ा तक का आज जितने भी हो कटा इवेंट होगा, तो ये मतलब यहाँ में सारा स्टेट सारा डिस्ट्रिक्ट का जो 23 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेंट किया, इंक्लूडिंग इसमें साई से भी है टीम है, उसके बाद संगेला दिन से भी एक टीम है, उसका अलावा अरुणाचल प्रदेश पुलिस कंट्रोल बोर्ड से भी एक टीम आया हुआ है 23 के साथ, और तीन टीम लेके यानी कि जो यूनिट तीन यूनिट आया है उसको लेके 26 टीम कुल मिला के यहाँ में 26 टीम आया हुआ है, और ये तीन दिन तक गेम चलेगा, आज से लेके 17 तक क्लोजिंग होगा। थैंक यू सो मच। Roma.